Hello friends, welcome to Hindu and Indian Express in 2 minutes at Synopsis IAS. Click here. Then you have to click on Student Dashboard. This is nominal interaction fee. If you want to register, then Student Dashboard पर आज हम लोग पढ़ेंगे अगस्त 7th और 8th का. इसको हम लोग दो टैब में ओपन करते हैं और एक टैब में ट्रांसलेट करते हैं अपनी लैंग्वेज में. आई थिंक आपको जो भी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, व्हाटएवर, और इसके बाद वी विल स्टार्ट स्टडीइंग. सो करंट अफेयर्स के नाम पर क्या है? पीट फायर. पीट सॉइल ये होती है, बिलो ग्राउंड लेयर होती है, ग्राउंड लेवल के नीचे वाटर लॉक्ड रहती है नॉर्मली, तो इस वजह से इसमें कार्बन कंटेंट इज़ वेरी हाई. तो जब ये बर्न होती है तो डेफिनेटली CO2 और मीथेन इससे प्रोड्यूस होगा, और इससे क्या होता है कि जो कार्बन सिंक वो एलिमिनेट हो जाता है. सो देयर इज़ अनप्रेसिडेंटेड फायर इन बोरियल फॉरेस्ट, आर्कटिक रीजन में, साइबेरिया और अलास्का रीजन में. इतनी फायर लास्ट 10,000 ईयर्स में नहीं लगी. रीज़न इज़ क्लाइमेट चेंज. साउथ ईस्ट एशिया में भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट द रीज़न. ड्रेनेज या फिर डिफॉरेस्टेशन टाइप के लोकल इन्वायरमेंटल रीजन्स हैं. देन हरक्यूलस, जो हरक्यूलस ग्रीक गॉड है ना, साइकिल लिए होते हैं, वही हरक्यूलस है. हरक्यूलस इन एक्सपेक्टेटस इट इज़ लार्जेस्ट पैरट एवर और एक्सटिंक्ट है. मोवा एक एक्सटिंक्ट बर्ड है जो कि एक फ्लाइटलेस बर्ड है न्यूजीलैंड की. प्रिलिम्स कंटेम्प्रेरी जो लगातार न्यूज़ में रहते हैं. डिक्सन प्लान 1950 का है. डिक्सन वॉज एन ऑस्ट्रेलियन ज्यूरिस्ट. इनको UN ने अपॉइंट किया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मीडिएट करने के लिए. इन्होंने प्लान बताया था कि लद्दाख इंडिया को दे दो और बाकी नॉर्दर्न एरिया और POK वो पाकिस्तान को दे दो. देन सिमिलर प्लान एक मनमोहन और मुशर्रफ का भी था, उसे MM फार्मूला कहते हैं. इन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर टेररिज्म और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स सीज हो जाते हैं तो LOC को ही हम इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेंगे, और कश्मीर में एक सॉफ्ट बॉर्डर होगा जिसके आर पार कश्मीरी इजीली जा सकते होंगे. देन कीवर्ड वोकैबुलरी डेफिनेशन के नाम पर आप एक चीज़ बार बार सुनते हो, रेस वर्सेस एथनिसिटी. तो हिंदी में नॉर्मली इनकी मीनिंग जाति ऐसी ही कुछ होती है. तो रेस क्या होता है? किसी इंसान की बायोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक. और एथनिसिटी इट इज़ रिलेटेड टू कल्चरल फैक्टर्स. बायोलॉजिकल में आपका स्किन और हेयर कलर हो सकता है, आई कलर हो सकता है, और ऑब्लिक आइज़ हो सकती हैं, बल्बस हेयर जो घुंघराले करले बाल होते हैं, वो सब चीज़ें वो आपके रेस में आती हैं. देन एथनिसिटी में नेशनलिज्म, कल्चर, लैंग्वेज, फूड, ये सारी चीज़ें एथनिक हो सकती हैं. तो एक इंसान के पास एक से ज़्यादा एथनिसिटी हो सकती है, लेकिन रेस एक ही होगी. इंडिजिनस नॉलेज आप इसको कीवर्ड की तरह यूज़ करो. इसको UNESCO ने डेफिनेशन दी, कभी भी नहीं पूछेगा, समझने के लिए यहाँ लिखी हुई है कि जो लोकल लोग इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन की वजह से डेवलप करते हैं. देन बाकी वर्ड मीनिंग से रट लो. मेंस के जो टॉपिक्स हैं, मेंस टॉपिक इन 10 मिनट्स में हम लोग कवर करेंगे. देन पशु आधार एको कपिला पशु आहार है, दिस इज़ नॉट दैट वन. एनिमल UID एनिमल के लिए आधार बनेगा. INAPH मीन्स ये इसकी फुल फॉर्म है. इसकी नोडल एजेंसी है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड. तो इसमें होगा क्या, एक्चुअली जैसे हमारा आधार होता है बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कलेक्ट की जाती है, ऐसे अब जानवरों के लिए भी करेंगे. लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा वर्ल्ड का, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा रहते हैं बोवाइन एनिमल, तो इंडिया में ही होगा, डेफिनेटली लार्जेस्ट होगा. ऑब्जेक्टिव है इसका बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्रिएट करना, उसमें उनकी एंसेस्ट्री होगी, प्रोडक्शन परफॉर्मेंस, जूनोटिकल डिजीज़ जो भी है, व्हाटएवर. तो फेज़ वन में हमारे पास अराउंड 100 मिलियन प्रोडक्टिव इन मिल्क फीमेल काउ बफेलो हैं, उनको कवर करना, और 1/4 कम्प्लीट हो गई हैं. देन पोल्ट्री फार्मिंग. सी पोल्ट्री फार्मिंग में दो टाइप के फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, वन इज़ लेयर चिकन, वन इज़ ब्रॉयलर चिकन. सो लेयर चिकन इज़ दैट रेज्ड फॉर कमर्शियल एग प्रोडक्शन. ब्रॉयलर चिकन जिनको मीट के लिए करते हैं, इनको इस तरह से कुछ प्रोड्यूस किया. लेयर मतलब जो लेयर्स में किए जाते हैं, सी लाइक दिस वन. और ब्रॉयलर चिकन जो नॉर्मल आपको दिखते हैं, दोज आर ब्रॉयलर चिकन. सो लेयर चिकन आपको उनके डे वन से ही केयर करनी होती है, और उनकी एग लेइंग साइकिल 18-19 वीक के बाद स्टार्ट होती है और 70-80 वीक्स तक जाती है. पोल्ट्री फीड नॉर्मली ये रटने की नीड नहीं है, लेकिन अगर याद कर लो तो डेफिनेटली इट इज़ गुड. कुछ ऑप्शनल्स में लाइक ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर, ये सब सिलेबस में भी है पोल्ट्री फार्मिंग. सो मेज, डी ऑयल, राइस ब्रांस, सोयाबीन के एडेड मिनरल्स, कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी उनको खिलाते हैं ताकि इसका आउटपुट रेशियो इंक्रीज हो जाए. तो जो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है उसमें पोल्ट्री एक बड़ा रोल प्ले करती है. सो फार्मर्स ने क्या किया कि ये जो 70-80 वीक्स की एज है उससे काफ़ी पहले उनको कलिंग करनी शुरू कर दी. रीज़न क्या है? फीड कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है. मेज क्रॉप उसको फार्म आर्मी वर्म ने डिस्ट्रॉय कर दिया. आर्मी वर्म कुछ इस टाइप का दिखता है, ये वाला है. देन जो केन यील्ड, सुगर केन, वो आपकी ड्राउट लाइक कंडीशन की वजह से वो भी ड्रॉप हो गई.
देन WRI ने वाटर स्ट्रेस डेटा दिया, इसने कहा कि वर्ल्ड की 1/4 पॉपुलेशन एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ बेसलाइन वाटर स्ट्रेस झेल रही है। USA ने चाइना को करेंसी मैनिपुलेटर कहा है क्योंकि चाइना युआन को वीक कर रहा है अनफेयर ट्रेड एडवांटेज लेने के लिए। इसका जो बेसिक्स है वो समझने के लिए आपको मॉनेटरी पॉलिसी समझनी पड़ेगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो थैंक यू, इफ यू लाइक दिस देन यू कैन शेयर। ओके, टाटा, बाय बाय।